Hi everyone, I'm Ankita and welcome back to my channel. So first of all, if you're someone new on this channel, then don't forget to subscribe my channel and also don't forget to follow me on Instagram because there we can all stay connected and also you can stay updated with all my fitness and lifestyle posts. So today's video is going to be about my favorite top 5 tips which can actually help you a lot to track your progress and stay on track while you're on your fitness journey or weight loss journey. Because मुझे personally ऐसा लगता है कि ये top 5 tips ऐसी हैं जो हमें पता तो होती हैं but हम generally इनको ignore कर देते हैं unknowingly and eventually we don't lead to anywhere. So my number one point is go with a plan. Yes, you should always have a plan in your hand before starting your journey. बिकॉज होता ये है कि जब हम सोचते हैं कि नहीं कल से वर्कआउट करना है अब वेट लॉस करना है तो हम रैंडमली और माइंडलेसली कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं कभी भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे कुछ भी करेंगे और इनफैक्ट खाने पीने में भी हम किसी दिन तो हमें याद आएगा कि चलो आज हम अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे हाई प्रोटीन वाला खाना खाएंगे अगले दिन फिर हम भूल जाते हैं तो इस तरह से चलता है बट इफ़ यू आर हैविंग अ प्लान इन योर हैंड यू कांट डेविएट वेरी इजीली बिकॉज हैविंग अ प्लान एक्चुअली कीप्स यू वेरी माइंडफुल सपोज आपने प्लान बनाया है कि मुझे नेक्स्ट वीक का ये प्लान है मुझे ये वर्कआउट करना है इस दिन ये वर्कआउट करना है इस दिन अगर आप प्लान के हिसाब से वर्कआउट करोगे तो यू विल एक्चुअली सी रिजल्ट्स एंड यू विल एक्चुअली सी प्रोग्रेस और जब तक आप प्रोग्रेस नहीं देखोगे अपनी जर्नी में आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा अगर थोड़े टाइम में आप प्रोग्रेस देखोगे तभी तो आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहोगे अगर आप प्रोग्रेस देखोगे ही नहीं तो फिर आगे बढ़ने का एक्साइटमेंट कैसे आएगा एंड सेम गोज विद द फूड विद द मील विद द डाइट वॉट एवर यू आर हैविंग आई एम नॉट सेइंग दैट गो विद अ रिस्ट्रिक्टिव डाइट बट जो भी आप खाना खा रहे हो एटलीस्ट कुछ मेजर पॉइंट्स हमेशा आपके प्लान में रिटर्न होने चाहिए लाइक आई हैव टू टेक प्रोटीन इन ऑल माई मील्स अगर इट इज़ समवेयर रिटन और इट इज़ काइंड ऑफ अ प्लान फॉर यू अगर एक बार भी मिस होता है तो यू विल नो दैट यू आर गोइंग रॉन्ग एंड यू विल रीट्रैक योर सेल्फ And that's why I believe that plan helps a lot to see the progress and stay on track. So basically, always have a handy plan to stay mindful, to stay on track, and if something goes wrong, just retrack yourself. Now the second point is to actually track your progress because seeing yourself progressing actually keeps you motivated and accountable to get better and better. जब तक आप प्रोग्रेस नहीं देखोगे अगेन हम जस्ट रिपीटिंग कि प्रोग्रेस नहीं देखोगे तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी बहुत बार ये होता है कि हम प्रोग्रेस कर भी रहे होते हैं बट बिकॉज वी आर नॉट ट्रैकिंग इट वी आर नॉट अवेयर सडनली वी आर आउट ऑफ द ट्रैक बट टू ट्रैक प्रोग्रेस आई डोंट मीन कि वेट मशीन पर चढ़ जाओ रोज और वेट देखो कितना किलो कम हुआ है और 2 किलो कम हो जाए तो बहुत खुश हो जाओ बिकॉज वेइंग स्केल इज इन द राइट वे टू ट्रैक योर प्रोग्रेस आई पर्सनली बिलीव दैट यू शुड ट्रैक योर प्रोग्रेस विद द काइंड ऑफ एनर्जी यू आर हैविंग विद द काइंड ऑफ थॉट्स यू आर हैविंग विद द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड यू आर हैविंग द वे यू आर स्लीपिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली शो योर प्रोग्रेस एंड इफ यू आर समवन जो वेट लॉस कर रहा है तो वेइंग स्केल की जगह अपने पुराने कपड़े पहन के देखा करो कि कितना ढीला हुआ कितना नहीं इंचेस नाप लो दैट इज मच मच बेटर देन जस्ट वेइंग योर सेल्फ ऑल्सो यू कैन टेक योर प्रोग्रेस पिक्चर्स विच एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट टू जस्ट कंपेयर योर सेल्फ आफ्टर मंथ्स और वीक्स जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट बट बी अवेयर अबाउट द प्रोग्रेस यू आर मेकिंग बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड एक्साइटेड एंड जस्ट अकाउंटेबल नाउ द थर्ड पॉइंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज डोंट फॉरगेट योर ग्रीन्स बिकॉज पर्सनली इससे मैंने भी बहुत सफ़र किया है बिकॉज हम सबको पता होता है कि ग्रीन सब्जियाँ हरी सब्जियाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कितना ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छी होती हैं बट ऑनेस्टली हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ ग्रीन सब्जी या सैलड वगैरह जैसी चीज़ें खाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वेजिटेबल्स आर नॉट दैट टेस्टी स्पेशली अगर आप उन्हें थोड़ा रॉ फॉर्म में खा रहे हो तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती हैं इसलिए हम भूल जाते हैं उन्हें खाना इसलिए हमारा इतना मन भी नहीं करता है खाने का बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग इफ समथिंग इज़ वेरी टेस्टी मतलब इतना टेस्टी लग रही है आपको कोई चीज़ कि आपको उसकी क्रेविंग हो रही है यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट यू नीड टू डाउट ऑन दैट थिंग बिकॉज डेफिनेटली समथिंग इज़ रॉन्ग देयर बिकॉज द रॉ फूड द होल फूड विल नेवर मेक यू एडिक्टेड टू इट एंड दैट्स वाई ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी गुड सो वॉट आई पर्सनली स्टार्टेड डूइंग इज़ कि
I included this thing in my plan that I have to take green veggies in my meals. So मैं try करती हूँ कि मेरे हर meal में थोड़ी सी सब्जियाँ ज़रूर हो, especially green vegetables ज़रूर हो. And अगर मुझे लगता है कि मैं meals में miss कर रही हूँ बहुत ज़्यादा green veggies को, then I go for green smoothie because it is very easy to make and easy to carry and you can just have it on the way. So just love your green smoothies and or have your green salads. But don't miss your greens because you have no idea that how much green vegetables can help you in your weight loss journey. So love your greens and enjoy. Now the fourth point is coffee or tea. Coffee के पीछे तो लोग पागल ही हो चुके हैं आजकल और चाय किसको नहीं पसंद होती है. I personally love tea. I'm a total tea lover. होता क्या है ना कि हम लोग आजकल टाइम पास के लिए चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं और कई बार ये होता है कि दिन में 2-3-4 बार हम पी जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है. और होता क्या है, अल्टीमेटली इट्स नथिंग, इट्स जस्ट कैलोरीज विदाउट एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू. एंड इतनी सारी कैलोरीज ऐड हो जाती हैं और हम लोग को रियलाइज़ भी नहीं होता है, हम लोगों को कोई हिसाब भी नहीं होता है उन कैलोरीज का, बिकॉज हम सोचते हैं ठीक है एक कप ही तो है, पी लो कुछ नहीं होता है, बट इवेंचुअली कैलोरीज आ जाए. ऑल्सो इट्स ऑल कैफीन, सो वैसे ही एक दो कप से ज़्यादा अच्छा नहीं है टू हैव इट इन अ डे. सो वॉट पर्सनली आई वुड सजेस्टेड स्विच टू ब्लैक कॉफ़ी. जितने भी लोग यहाँ पे लाटेज मोचास कैपुचिनो के दीवाने हैं, देन हैव इट, बट हैव इट वंस इन अ वाइल एंड स्विच टू ब्लैक कॉफ़ी फॉर यूजुअल डेज बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स. ऑल माई फ्रेंड्स हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, एक चम्मच घी भी ब्लैक कॉफी में मिला लो, इट्स गोइंग टू वर्क अमेजिंगली. मैं रोज पीती हूँ एंड आई हैव सीन अमेजिंग चेंजेस इन माई बॉडी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लूज सम वेट. नाउ द लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन योर नीड, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. बेसिकली होता क्या है कि पहले तो मैं बता देती हूँ कि कई लोगों को ये लगता है कि अगर वेट लॉस करना है तो वर्कआउट करना ज़रूरी है, वर्कआउट स्टार्ट कर दो और वेट लॉस हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप दिमाग में ये गोल रख करके वर्कआउट कर रहे हो कि आई हैव टू बर्न कैलोरीज एंड आई हैव टू लूज वेट, देन प्लीज स्टॉप बिकॉज इट्स नॉट राइट. अगर सिर्फ आपको वेट लॉस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट योर डाइट, योर लाइफ स्टाइल एंड दैट्स इनफ टू लूज वेट, टू लूज दैट फैट. एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिम, जो भी आप कर रहे हो वो सब आपको करना है फॉर एंड्योरेंस, फॉर योर स्टेमिना, फॉर फन, फॉर एनीथिंग, बट नॉट फॉर लूजिंग फैट. नाउ नीट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट एक्चुअली हेल्प यू टू बर्न सम कैलोरीज विच डोंट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और वर्कआउट. सो लाइक क्लीनिंग, वॉकिंग, शॉपिंग, कुछ भी आप डेली में जो काम करते हो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं एडअप होता है टू बर्न सम कैलोरीज एंड ऑल्सो कीप यू एक्टिव. एंड हैविंग एन एक्टिव लाइफ स्टाइल विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्टे फिट. एंड ऑल्सो वॉट आई पर्सनली डू इज मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं खाना खाती हूँ उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा वॉक करूँ या फिर इवनिंग में वॉक करूँ, मॉर्निंग में वॉक करूँ, जहाँ भी मौका मिले आई जस्ट कीप वॉकिंग. क्लीनिंग करती हूँ मैं घर की, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा काम करते रहो जिससे यू आर एक्टिव, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आई एम मोर माइंडफुल एंड इट ऑल्सो गिव्स मी सम मी टाइम विद माई सेल्फ. लाइक वाइल आई एम वॉकिंग आई डोंट ट्राई टू वॉच समथिंग ऑन माई फोन और डू एनी थिंग, आई जस्ट वॉक एंड आई जस्ट स्पेंड दैट टाइम विद माई सेल्फ. अल्टीमेटली इट एड्स अप टू माई नीड एंड ऑल्सो गिव्स मी सम मी टाइम. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट. अगेन जो भी यहाँ पर वेट लॉस के लिए वीडियो देख रहा है ये, तो प्लीज़ लेट मी टेल यू, वेट लॉस के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट, योर न्यूट्रिशन एंड योर लाइफ स्टाइल. वर्कआउट, जिम, ये सब बहुत बाद की बात है और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके एंड्योरेंस, स्टेमिना, बॉडी को टोन करने के लिए, मसल बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए है, वेट लॉस के लिए नहीं, फैट लॉस के लिए नहीं. आई होप इट रियली हेल्प्स, दीज पॉइंट्स एक्चुअली हेल्प्स यू ऑल एंड आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ें भी फॉलो करोगे दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्टे ऑन द ट्रैक. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अनदर वीडियोज आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल रिलेटेड टू वेट लॉस एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप इफ यू रियली फाउंड इट यूजफुल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Thank you. Bye-bye.